हम जा रहे बिना दीदी और नानी के। Welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I am Janvi Tiwari and I am vlogging today. So, आज हम हमारे 2024 की first trip लेने वाले हैं and I am super excited. I just took Shar क्योंकि हम जा रहे हैं श्रीनगर और मुझे पता नहीं मैं next कब Shar लूंगी और कुछ मेरे friends भी गए थे last time. So, we are going there to see snow. But I'm gonna see you all after I put some moisturizer क्योंकि मेरी skin बहुत ज़्यादा dry हो रही है. Okay. Guys, dry skin girl problems. बहुत नाजुक कली हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ by the way. Okay, much better. So हम पांच लोग जा रहे हैं, मैं, दीदी, मम्मी, पापा एंड नानी. आई एम सुपर एक्साइटेड. हम पहले जा रहे हैं श्रीनगर, उसके बाद हम जा रहे हैं वैष्णो देवी. सो दैट्स द प्लान एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. सो लेट्स गो. आज हमारी ट्रेन है. आर ट्रेन इज फ्रॉम सूरत टू दिल्ली एंड देन नानी विल जॉइन अस. और हमारी फिर फ्लाइट है कल दिल्ली टू श्रीनगर एंड आई होप हमें हमारी फ्लाइट मिल जाए. फ्लाइट कैंसिल नाउ, डिले नाउ एंड ऑल ऑफ दैट थिंग. हमारे बैग्स पैक्ड है. हियर्स माई बैग. और इसके अंदर मैंने सारे 10 दिन के कपड़े रखे हैं, जो एक टास्क था क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग कोट्स, ऊनी कपड़े वगैरह रखने थे हमें. सबकी पैकिंग हो चुकी है, एवरीवन इज रेडी और सबने बहुत अच्छे से शार ले लिया है. सो या फर्स्ट ट्रिप ऑफ 2024, लेट्स गो. सो दैट्स माय टोट बैग व्हिच आई एम गोइंग टू बी कैरी. काफी ऐसे विंटर वाइब दे रहा है ना, इसके लिए मैंने ये पिक किया. और अंदर मैंने ना एक वार्मर का सेट भी रख रखा है क्योंकि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है गुजरात में और मैं जा रही हूँ कल दिल्ली. और मुझसे तो दिल्ली की ही ठंड नहीं सही जाती, श्रीनगर की तो क्या ही मैं सहूंगी. सो देखते हैं कैसा होता है. तो जस्ट ऐसे सेफ साइड के लिए मैंने ऊपर एक वार्मर रख लिया है और शायद एक जैकेट भी रखूंगी ताकि मुझे ठंडी ना लगे. और यहाँ पे मम्मी पापा के भी सारे बैग्स तैयार है. पापा इज ऑल्सो गेटिंग रेडी. पापा से हेलो. हेलो. एक्साइटेड हो? परसों से एक्साइटेड है पापा. गाइस मम्मी ने चाय बनाई है. हेलो मम्मा. हाय. आपने भी शार लिया ना अभी? अभी अभी नहाया. हाँ, अच्छा लगा. सबने नहाया. पापा भी अभी हेयर कट करवा के, पापा ने भी सब नहा के चल रहे. अच्छा, और वैसे भी ट्रेन में हमें ट्रैवल करना है आराम से मस्त. हाँ, एक्साइटेड. मैं बहुत बार बोल रही हूँ एक्साइटेड. मुझे ना पर्सनली ऐसे स्नो थोड़ी कम पसंद है, गीला गीला होना कम पसंद है. आई लाइक सन, आई लाइक बीचेस, आई एम नॉट अ माउंटेन पर्सन. बट मम्मा को स्नो देखनी थी एंड मम्मा ने कहा तो हम जा रहे हैं. सो गाइज, ये ना हमने शूज लिए थे दुबई से एंड फाइनली आई एम गोइंग टू वेयर देम. इतने मस्त लग रहा है, सुपर एक्साइटेड. क्या शू के लिए पागल? शू, हील, बूट्स, फुटवेयर इन जनरल. I like it. Guys, look at them. So cute. My sister just took shower. As usual, she's the एकदम लास्ट में तैयार होने वाली. Yeah, लास्ट में तैयार. डोबी, मैं तैयार होकर निकलू. ये लोग इतना तैयार है. अभी मैंने शूज भी पहने. हमारी ट्रेन आएगी 8:30 बजे, ठीक है? अभी बज रहे हैं 6:20 और ये लोग ऑलरेडी रेडी है. Also, guys, look at my nails. Also, guys, look at my nails. She didn't get anything done, but I got it. गाइज, बहुत सारे स्नैक्स भी रख लिए मैंने. दीज आर माय फेवरेट वंस. ये पफ्स आते हैं मसाला वाले एंड दिस इज आवर कैबिन बैग. इसके अंदर लैपटॉप है बेसिकली, तो ये हम हमारे साथ रखेंगे. वही थोड़ी बहुत चीजें हमने रख रखी है उड़ने की ठंड लगी तो. गाइज, एवरीवन इज रेडी. पापा फोन रखो, फैमिली ट्रिप टाइम. गाइज, वी आर ऑल रेडी. मम्मी, लेट्स गो. चलो, 4 पीपल ऑन ट्रिप एंड वी आर these many bags. हाँ, नानी is yet to come. So सबसे बड़ा आंटी का है आपका ही है. Diving deep into the waves, babe. Okay guys, we have paneer, दाल, आलू की सब्जी, रोटी, राइस. Even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me. चेक इन हो चुका है हमारा और हम सिर्फ 3 लोग हैं. मैं, मम्मा और यहाँ पे पापा हैं. हम 3 लोग इसके लिए क्योंकि दीदी और नानी बाद में आएंगे. नानी हमें कानपुर से आने वाले थे दिल्ली और दिल्ली में हमें ज्वाइन करने वाले थे, बट नानी की ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई है, बहुत लेट हो गई. तो दीदी यही रुकी हुई है ताकि वो नानी को लेके कोई और फ्लाइट से आए. तो लास्ट मिनट केओस चल रहा है. हमारा प्लान तो बहुत अच्छा था कि हम सब साथ में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सैड हो गया. Your body close to mine. Call me if it's Papa carrying mama's bag
एंड मम्मा बस सबसे बातें कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है। वाह मम्मी वाह, अब देखो दिखा के ले लिया पापा से। हम चल रहे थे फिर हमें एक बहुत सुंदर सी ऐसे छोटी सी शॉप मिली जहाँ पे डोनट्स मिल रहे हैं, तो लेट्स सी देयर एगलेस। डोनट्स में एग है, एगलेस है, एग है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, चलो मम्मी। गाइस हम जा रहे हैं बिना दीदी और नानी के, थोड़ा वियर्ड लग रहा है बट ओके। गाइज वी आर इन श्रीनगर और अच्छी खासी ठंड है, मज़ा आ रही है। अभी तो हम एयरपोर्ट पे ही हैं और हमारे सिम में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम बाहर जाके देखेंगे क्या करना है। हमें दीदी से भी अपडेट लेनी है, वो आ रही है आज, कल आ रही है, कब आ रही है। और मैंने बाहर बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि ये डिफेंस एयरपोर्ट है, सो मैं आपको अब कैब में या होटल जाके मिलती हूँ। गाइज हम आ चुके हैं हमारे होटल में, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी हमने बुक की है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल्सो दीदी और नानी ने फ्लाइट बोर्ड कर लिया एंड दे आर कमिंग, वो बस एक दो घंटे में आ जाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जैसा प्लान है थोड़ा सा चेंज हुआ बट बाकी सब ठीक है। ये है हमारा हॉल नीचे जहाँ पे आप आ सकते हो, बैठ बैठ सकते हो, बहुत प्यारी वाइब है इनकी, है ना, बहुत कोजी है, बहुत ही सुंदर पूरे में। हाँ लाइट वो कोजी प्लेस तभी बनती है। और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। हेलो नमस्ते, क्या कितना छोटा क्यों है, हाथ मेरा पता नहीं क्यों छोटा है, आपका भी तो छोटा है ना। चलो देखो, देखो हम दोनों का छोटा छोटा। हाँ आपका भी तो छोटा है ना। बले बले गेस्ट ले। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, हम गेस्ट का हाथ बहुत छोटा है। बोले गेस्ट का हाथ बहुत बड़ा होता है। आप मुझे बहुत प्यारे लग रहे हो। ओके गाइस सो यहाँ से आती है स्टेयर्स, कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पे आर्ट सा दिया हुआ है ये लोगों ने। एंड देन वी हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल कॉर्नर, लुक एट दिस कारपेट, कितना सुंदर लग रहा है, ये लोगों ने बहुत प्रिटी फ्रेम में लगाया हुआ है। देयर इज अ मिरर और ये देखो हाउ ब्यूटीफुल दिस एलिमेंट लुक्स हियर। अब हम चलते हैं पहले रूम में जो पापा का रूम है, मम्मी और नानी साथ में रह रहे हैं गाइस, सो पापा हैज गॉट अ डिफरेंट रूम। ये है पापा का रूम और यहाँ पे ना एसी में हीटर चल रहा है। ये लोगों ने फ्रेम्स बहुत अच्छे लगाए हुए हैं, दैट्स अ कम्फर्टेबल बेड, सारे रूम्स। हाँ नहीं ये टेक्सचर वॉल बहुत सुंदर लग रही है, आप यहाँ पे अपना सामान वामान रख सकते हो, चीजें हैंग कर सकते हो, कोट वगैरह। वी हैव कर्टेन्स, यहाँ पे दो चेयर है और सब रूम में बहुत बड़े बड़े से कारपेट है। सो ये पापा का रूम, हर रूम में बहुत प्यारा सा मिरर भी है। एंड दैट्स द वॉशरूम, बहुत क्यूट टाइनी क्लीन वॉशरूम्स इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे। सो दैट्स द फर्स्ट रूम और हर रूम में ना ऐसे गर्म पानी की बॉटल भी है। ये था पहला रूम, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा रूम। यहाँ पे बाय द वे सामान रखा है जो हमें अभी हमारे कमरे में लेके जाना है। ये है मम्मा और नानी का रूम, ये आई थिंक इनका मास्टर बेडरूम है, बहुत प्रिटी है, काफी बड़ा है ये। आई लव द वाइब हियर, अगेन वेरी कोजी। वी हैव ऐसे यहाँ पे लाइट बहुत जाती है तो ये लोगों ने लाइट दी हुई है, थर्मल है, थर्मस है एंड हीटर है यहाँ पे और फुल लेंथ मिरर है। वी हैव द वॉशरूम हियर और ये बहुत प्यारा सा ये लोगों ने यूनिट बनाया हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है। अगेन वी हैव बिग बिग कारपेट्स, ये एरिया है पे आप थोड़ा सामान रख सकते हो, बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो। अब चलते हैं लास्ट रूम में जो मेरा और दीदी का होने वाला है। ये देखो कितना सुंदर एलिमेंट है यहाँ पे। एंड हियर वी कम टू मेरा और दीदी का कमरा, अगेन वी हैव थोड़ा सा स्पेस जहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें रखी हुई है। वी हैव एसी हियर, दैट्स द बेड, सुपर कोजी, लव द वाइब हियर एंड लुक एट दिस फ्रेम, आई लव इट, बहुत बहुत प्रिटी है। वी हैव टू लैंप्स बाय द साइड, वी हैव दिस एरिया जहाँ पे आप सामान वामान रख सकते हो, अपने आउटफिट्स वगैरह हैंग कर सकते हो एंड a full length mirror that of course Janvi needs and we have a washroom right here and two chairs and yeah that's the first place that we are staying at, not sponsored but this place is called Khanda Kothi. I'm going to link it in the description box. अगर आपको आना है family friends के साथ आप जरूर आइए, ये place पे बहुत pretty है। अभी हम चाय पीने जा रहे हैं क्योंकि ठंड लग रही है हमें, so yeah let's go. गाइज आई वॉज एडिटिंग अ वीडियो टिल नाउ और यहाँ पे पावर कट हुआ, यहाँ पे पावर कट बहुत ज्यादा कॉमन है और हमें पहले से ही बता दिया गया था, सो दैट इज नाइस। दिस इज द लैम्प दैट वर्क्स। दीदी और नानी आ गए नीचे, सो लेट्स गो, प्लस इट इज कोल्ड। हेलो ब्रदर, फाइनली नानी का गेट खोलो, रुको, अच्छा वहीं से उतरना पड़ेगा।
बच्चा आपके साथ ही था सुबह तक। नमस्ते नानी। नानी ठंडी लग रही है? थैंक यू सो मच। और क्या बोलना है आपको? आपको मैंने क्या बोला था? क्या बोलना है? नमस्ते। हम आए थे ना तो खुद ही आके हमें कह रही थी नमस्ते। गाइज वी हैव रियली गुड होम मेड होलसम मील। वी हैव रोटी, दाल, ड्राई सब्जी, पनीर की सब्जी, राइस। कितना अच्छा लग रहा है। हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई जस्ट वोक अप और हमने ब्रश किया, फेस वॉश किया और अभी हम जा रहे हैं नीचे। वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। सब नीचे पहुंच चुके, सिर्फ मैं ही ऊपर हूँ और मैं यहाँ से देख रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे श्रीनगर। रात में तो नहीं दिख रहा था, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। रात में तो बहुत मजा आई सोने में। इट वॉज वेरी वार्म, इट वॉज वेरी कोजी इन साइड द बेड। और थोड़ी सी धूप आ रही है जो मुझे काफी अच्छी लग रही है। मतलब देख रहा हूँ एक एक ऐसे रे आ रही है रूम में जो काफी अच्छी लग रही है। अभी लेट्स गो डाउन, मम्मा बुला रही है। I think this is the door to balcony. Oh yes, let me show you all. Okay, wow, such a cute balcony and that's the morning view. और यहाँ पे ना सारे घर ऑफकोर्स स्नोफॉल के वजह से ऐसे ऐसे बने, कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग। कितना प्यारा बोलती है। और किसी को इतनी जरूरत नहीं लग रही जितनी मुझे लग रही है, लगता है। सो फॉर द ब्रेकफास्ट वी हैव आलू का पराठा, दही अगर आपको दही चाहिए, अचार, पोहा, चाय। और यहाँ पे सब खा रहे हैं मजे से। हाँ, एवरीथिंग इज होम मेड। हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। बोलो। इतनी बार बोल चुके हैं आप लोगों को। हाँ, मतलब आप ये समझो, आप लोगों ने व्लॉग में बहुत कम देखा होगा क्योंकि मैं एक लाइन बहुत बार नहीं रिपीट करवाती मेरे व्लॉग में, पर है ठंड। गाइज दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट कितने बार हमने बोला जानवी को ठंड लग रही है। गाइज क्यूट फोटोज लिए जा रहे हैं यहाँ पे। Say cheese. Welcome to Srinagar. Guys, my outfit for today is going to look something like this. So, मैंने ना ऐसे 10 outfit बना रखे हैं जो मैं कैरी कर रही हूँ मेरे साथ और मैं वही पहनूंगी। So, that's the first outfit. मैंने और दीदी ने ना एक get ready with me बनाना है साथ में, ऐसे we will be revealing that we are in श्रीनगर type. तो हम वो बनाएंगे, तो आपको सीधे मैं तैयार होके मिलने वाली हूँ। और मैं ना अभी मुंह धुल रही थी, मेरे हाथ में मैंने से गर्म पानी डाला, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कितना गर्म पानी है। आई लाइक दिस फीलिंग नाउ। I am dheeme dheeme getting in the vibe, guys. I am so enjoying this. Done with the makeup and that's our outfit. अच्छे से दिखाते हैं अभी आपको। हाँ, नीचे बहुत मस्त हमने शेयर कलर की लेगिंग्स वगैरह पहन रखी है। हम लोग अभी पी रहे हैं चाय और ये चाय का कप इतना अच्छा लग रहा है हाथ में, इतना वार्म लग रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ठंड में भी मैंने थोड़ा मेरा फैशन का ध्यान रखा। कल मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कुछ भी कर पाऊंगी, बट Guys, let me show you all my नानी कितनी सुंदर लग रही है। मैंने ना नानी की उनके एकदम यंग टाइम की फोटोज देखी थी और नानी की क्या मस्त फोटो शूट्स है। नानी आप तो बहुत ही सुंदर लगती हो। 70 ईयर की हूँ। 70 ईयर की बिल्कुल नहीं लगती। वेरी ब्यूटिफुल। वी ऑल आर रेडी। हम हमारा डे वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। Let's go. Guys, we are heading out. Abdul bhai has come to pick us up. हम उन्हीं के साथ पूरी कश्मीर ट्रिप पे ऐसे घूमने वाले हैं। भैया बता रहे कि जब स्नो पड़ती है तो ये पूरी रोड व्हाइट होती होगी और कितनी सुंदर लगती होगी। Guys, we are at परी महल और दीदी वहाँ पे टिकट ले रही है। पर अडल्ट 24 rupees है। हम 5 लोग हैं एंड हियर्स द परी महल। लेट्स गो एंड प्लीज इग्नोर माई ड्राई चैप्ड लिप। चले मम्मा अंदर। अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप आई है तो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बर्फ होती तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। दिस इज नाइस। हाँ, दिस इज द परी महल है ना, वेरी ब्यूटीफुल। हम सब ये आउटफिट कश्मीरी आउटफिट पहन के फोटो खिंचवाएंगे। आई विल गो विथ रेड।
पापा इज इन एक्शन. पापा फेवरेट पोज़ इज दिस. स्माइल. मैडम को बुलाइए. मैडम जी. एंड अब हम जा रहे हैं खाने. वी आर गोइंग टू कृष्णा ढाबा. लेट वी आर वेरी टाइनी वेरी क्यूट प्लेस. Chashme Shahi. Okay, we have got the ticket for 5 adults for 120 and here we are at the garden. I think this is a garden, so let's go. Guys, just sitting here enjoying the sun, looking at the mountains. This is just a small garden. बहुत प्यारा है and गर्मियों में ना यहाँ पे बहुत अच्छे फूल होते हैं. अभी ठंड है यहाँ पे, इधर स्नो होनी चाहिए थी. ऑल्सो यहाँ के जो लोग है ना वो काफी वरिड है क्योंकि ये बार बिल्कुल भी स्नो नहीं पड़ी है. सो दे वर जस्ट टेलिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट. सो अभी हम जा रहे हैं डल लेक. बहुत सारी वीडियोस देखी है डल लेक की. यस बड़ा बहुत अच्छा लग रहा था. हम थोड़े बहुत काम वाम कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे सब मिलके. चलो चलते हैं डल लेक. नानी डिम्पल को बोलती है गाल में गड्ढा. डिम्पल इज टू मेनस्ट्रीम, प्लीज कॉल इट गाल में गड्ढा. कई हमारी फोटोज आई हैं. ये एकदम से ऐसा लग रहा है कि पुराने जमाने की. हाँ थोड़ा विंटेज इफेक्ट डाला है. सी यू लुक सो प्रिटी. दैट्स आवर बोट. लुक एट माई व्यू, सो क्यूट. पापा डजंट लाइक वॉटर तो पापा स्टेकेशन में बिलीव करते हैं. मुझे अब ऐसा लग रहा है मैं पापा की बेटी. इज व्हाट अ वाइब. दे आल्सो गिव अस ब्लैंकेट सो दैट वी स्टे कोजी. हाउ क्यूट. और बहुत प्यारी माइल्ड ग्रुप आर. बढ़िया सा हमें मेन्यू मिल गया है. क्या है, मैंगो शेक, ओरियो शेक, सब कुछ है. इट्स अ होल डिफरेंट वाइब. मतलब इंडिया में कितनी अलग अलग चीजें हैं ना. मतलब कश्मीर इस कंट्री. और अभी तो जबकि रश नहीं है सो हाँ देयर आर बंद भी है बिकॉज़ स्नो नहीं हुई तो सबने कैंसिल कर दिया है. इतना रोमांटिक है सब कुछ. आपको नाना की याद आ रही है. यहाँ पे बहुत प्रिटी हाउस बोट्स है जहाँ पे आप रुक सकते हो. प्रेफर्ड और मोस्टली इन समर्स कि आप समर्स में यहाँ रुको. यहाँ पे ना लोग बोट में बच्चों को ट्यूशन लेके जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, ऑल ऑफ दैट. द पीपल हु लिव हियर. गाइस वी आर हेडिंग बैक और शाम हो गई है तो ठंड भी बढ़ गई है. बट द वाइब इज अमेजिंग. नानी अपने टाइम की स्टोरीज वगैरह बता रही है हमें बैठ के. और हमने ये डी कैथलॉन से लिया है जिसको आप रब करो तो ये हीट प्रोड्यूस करता है और हम वही कर रहे हैं. वी आर हियर एट लाल चौक. बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब आ रही है यहाँ पे और हम लोगों ने बहुत ओड मोड लिया है क्योंकि ठंड बढ़ रही है. अब हम करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग, मेजरली विंडो शॉपिंग. वी डोंट रियली नीड एनीथिंग. अगर कुछ बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया तो ही हम लेने वाले हैं. सो चलो लेट्स स्टार्ट. कहाँ जाना है. We are back home and I just removed my makeup, did my skin care and I'm not really doing well. मेरी बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी है और अभी अभी हमें चाय दी गई है और यहाँ पे पावर कट हुआ है. ठंडियों में थोड़ा पावर कट होता रहता है यहाँ पे. सो मैं नीचे जा रही हूँ, मस्त बैठते हैं हीटर के सामने. लेट्स इंजॉय द चाय. इट इज 7 o'clock but it is pitch dark outside. सूरत में इतने टाइम पे डार्क नहीं होता है. मतलब
डार्क होना स्टार्ट हो रहा होता है टाइम, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो डाउन, सिट इन फ्रंट ऑफ हीटर, फील गुड, टॉक विद फैमिली एंड ऑल, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैट. काफी अच्छा लग रहा है मुझे घर आके. दीदी ऑल्सो वॉन्टेड टू गो टू दिस वन मोर प्लेस वेर वी कुडंट गो बिकॉज आई वॉज नॉट रियली फीलिंग वेल. मुझे काफी ज्यादा स्टमक पेन वगैरह हो रहा था, तो वैसे तो दीदी काफी एडजस्टिंग है, बट आई फील बैड के उसकी एक जगह रह गई. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, इट इज द नेक्स्ट डे एंड आई एम गोइंग टू टेक शॉवर. माई हेयर लुक वेरी बैड, सो आई एम गोइंग टू वॉश देम. एंड हमने सोचा था हम कल शाम को आके नहाएंगे, बट एवरीवन सेड नो के मत नहाओ, आप बीमार पड़ जाओगे, तो हमने नहीं नहाया. दीदी जस्ट टुक शावर बाय द वे एंड शी इज गेटिंग रेडी. ये और पापा मंदिर जा रहे हैं, शंकराचार्य मैं नहीं जा रही. आज हम थोड़े बहुत क्यूट कैफेज एक्सप्लोर करेंगे और कल हम जाएंगे गुलमर्ग इसके लिए, और आज हम नहा रहे हैं क्योंकि मैंने सुना है गुलमर्ग में ज्यादा ठंडी होगी, तो पता नहीं हम गुलमर्ग में नहा पाएंगे या नहीं. सो आज हम अच्छे से तैयार हो जाते हैं, नहावा लेते हैं. आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग अ क्यूट outfit. Feel good now, Rao, to just wear a cute outfit and you will feel nice. हेलो जी, हेलो, मैं और पापा आ चुके हैं शंकराचार्य मंदिर, तो भूरी बेटी के बिहाफ पे मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी, तो वो लोग घर पे बैठे. यहाँ पे एक्चुअली 240 सीढ़ियाँ हैं, तो मम्मी और नानी तो नहीं चढ़ पाते. सीढ़ी चढ़ते वक्त पता चल रहा है कि मेंटल हेल्थ तो बाद में, फिजिकल हेल्थ की तो बैंड बजी पड़ी है भाई. अभी तो ना बहुत सीढ़ी चढ़नी है. मैं तो भी 15 सीढ़ी में थक गई हूँ. हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सीरीन सा मंदिर है. मंदिर के अंदर ब्लॉगिंग अलाउड नहीं थी, पर बहुत ही मस्त दर्शन हो गए हैं और यहाँ बहुत अच्छी सी धूप है, तो हम 5-10 मिनट यहाँ बैठते हैं और फिर हम चलेंगे. गाइस, हम ऑलमोस्ट वापस नीचे पहुँच गए. मुझे लगा था ये काफी ज्यादा टायरिंग और लंबा होगा, बट नहीं, फट से हो गया. एंड सुपर हैप्पी कि मैं और पापा हम यहाँ आ गए. बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो अगर आप कभी आ रहे हो तो ये शंकराचार्य जी का मंदिर जरूर आइएगा. गाइज, लुक हू टुक शावर वेयरिंग अ क्यूट आउटफिट दैट आई एम गोइंग टू शो यू ऑल इन सम वाइल. दीदी और पापा निकल चुके हैं, मैं मम्मा और नानी भी बस निकलने ही वाले हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. ये देखो बढ़िया सी चाय पी रहे हैं. ये बताओ, मजा ले रहे हैं? फुल मजे ले रहे हैं कश्मीर के. गाइस, माय आउटफिट लुक्स लाइक दिस. अभी मेकअप करना बाकी है, सो आई एम गोइंग टू डू दैट. सो गाइस, पैक्ड माय बैग बिकॉज टुमारो वी आर गोइंग टू चेक आउट. कल मैं ये वाला आउटफिट पहनने वाली, वो भी मैंने निकाल लिया है. दिस इज माई नाइट सूट, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज पैक्ड. सॉरी, आई एम नॉट एबल टू शो एनी गेट रेडी विथ मी बिकॉज मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालने वाली हूँ, सो आप वहाँ पे चेक कर लेना. अभी मैं मिलूंगी मेरा मेकअप. एंड आई एम ऑल रेडी, दैट्स हाउ माई मेकअप लुक एंड माई आउटफिट इज ऑल्सो ऑन. अब हम निकलते हैं, मैं करूंगी ओला एंड हम जाएंगे एक कैफे है बुक एंड ब्रिक्स करके, वहां पे हम लंच करेंगे. सो चलो चलते हैं. वी आर ऑल रेडी. नानी लुकिंग वेरी प्रिटी. चले नानी, वेरी प्रिटी. गाइस, हमारे एयरबीएनबी के पीछे सब्जी लगी है. ओह वाओ, ये कौन सी सब्जी है? मूली है, साग भी है. अच्छा, लहसुन भी है. वो लहसुन है. अच्छा, शलगम है. अभी जो मार्च में उगेंगी. हाँ, दीदी और पापा आ चुके हैं, सो लेट्स गो. दीदी तो बहुत गुड गर्ल बन के आई है मंदिर से. यस, बहुत गर्म है, बहुत अच्छा. गाइस, द वाइब्स आर वेरी नाइस हियर. हम लोग ना पेरिस गए थे और वहाँ पे मैं लोगों को देख के कह रही थी कि ये लोग ना एकदम कैरेक्टर से निकले हुए लोग लग रहे हैं. सेम इन श्रीनगर है ना, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ कैफेज में बैठे हैं, दे हैव अ डिफरेंट वाइब. दे कैरी देमसेल्व्स वेरी नाइसली. बहुत अलग है. द गाइस आर आल्सो वेरी हॉट. गाइस, टू टाइप्स ऑफ पीपल, फादर डॉटर. यस, ये पापा का की प्लेट है, ये जाननी की प्लेट है. तभी पापा मंदिर चढ़ पाए, 240 सीढ़ियां तो नहीं चढ़ पाए. मैं चढ़ जाती. Guys, after our lunch, we are here at Jama Masjid. This is my first time. Let's go. Mm-hmm.
look at the cuties, getting photos, creating some good memories. पापा को हम एंगल सेट करके दे रहे हैं फोटो लेने के लिए और मम्मी कह रही है कैमरा मैन ठीक नहीं है, वो 1 2 3 4 कर रहे हैं। हम मस्जिद से बाहर आ चुके हैं। मस्जिद बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाई गई है, बहुत ही ज्यादा। मुझे ना इनकी दीवार पे जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे बाहर थोड़ी बहुत शॉप्स हैं जहाँ पे हम घूम रहे हैं और कुछ देख रहे हैं। गाइस ये पर्दे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ओ वाओ, आई कैन सी पपीज, हाउ क्यूट। हाय, so cute। गाइस ये पपीज को ठंडी लग रही है तो वो एक दूसरे के ऊपर जाके बैठ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे बच्चे देख के बहुत हंस रहे हैं और मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। यार कुछ है क्या गलत मेरे साथ? दो बच्चे हंस के गए मेरे ऊपर, शक्ल पे, शक्ल पे क्यों हंसते गए? इवन मुझे भी अभी मेरी और बुरी बेटी की लड़ाई हो गई थी, अभी हमारी लड़ाई सॉल्व हुई तो वो हंस रही थी कि क्या बेवकूफ लड़की, इतनी अच्छी लड़की तो लड़ती है। अगर हमें कश्मीरी में किसी को बोलना है कि आप कैसे हैं तो कैसे बोलेंगे? तुई छूटी, तुई छूटी, तुई छूटी। आप क्या बोलते हैं? केमचो। हाँ, बोलते हैं केमचो। और केमचो बहुत फेमस है। मजा माचो। और अगर हमें भी बोलना है कि हम ठीक है तो अच्छी ठीक। तुई छूटी, ठीक, अच्छी ठीक, अच्छी ठीक, अच्छी ठीक। हमें आदिल भाई शॉपिंग लाए हैं। Guys, shopping with elder ones is very difficult. The good thing about this place is this. Done with the shopping. ये सब नानी ने लिया है और ये दो सूट मम्मी ने लिए हैं और मैंने, दीदी ने और पापा ने कुछ नहीं लिया। After nani's shopping spree, we are here to click her photo at लाल चौक पे। हमें फोटो चाहिए थी, so there we go. कैसी आई नानी? Guys, now we are heading to a place called Chai Jai. So let's go. To have kawa chai. Here we are at the Chai Jai. इनका क्रिसमस बहुत लंबा चल गया और बहुत क्यूट लग रहा है। Such a cute menu as well. They have so many teas. I love it. इनकी वाइब तो बहुत ही मस्त है, बहुत ही अलग है, काफी प्रीटी है। हाँ, अगेन यूरोपियन वाइब है, काफी अलग है, वेरी ब्यूटीफुल। They can try but they can never take me down. Cause I'm not afraid, I'm not afraid. Let's try the kawa. काफी अलग टेस्ट है बट इट्स नाइस। मैंने ना बहुत सुना है पिंक फूड चैलेंज में नून चाय ट्राई करो, दिस इज एक्चुअली पिंक टी, दिस इज सॉल्टेड। मैंने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया है। आई लाइक इट। देख लो, चीज लिक्विड विजडम। डन विद आवर चाय शाय थिंग। बहुत अच्छा है, अगर आप श्रीनगर आ रहे हो तो आपको आना चाहिए एक बार कहवा पीने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्यूट स्पेस दैट दे हैव क्रिएटेड। और अब बहुत ज्यादा ठंड हो गई, इट इज 7 o'clock। लेट्स गो बैक टू आवर एयरबीएनबी, लेट्स पैक क्योंकि कल हम जा रहे हैं गुलमर्ग। ओके, वी हैव कश्मीरी साग एंड दिस इज सम आलू मेड इन, दिस इज कद्दू मेड इन दही का थोड़ा। आलू, राइस, गर्मा गर्म। We have roti and salad. Yay, perfect dinner. And of course, यहाँ पे चल रहा है हीटर और हम ले रहे हैं हीटर के मजे और खाएंगे बढ़िया गरम गरम खाना। हम खाएंगे अपनी जानवी के साथ लवली प्यारी नाते। And we are back in our room. I'm going to change and go to sleep, go to bed. Good day it was. सुबह सुबह एनर्जी लो थी बट अभी तो एकदम
हाई है गाइस, कल हम जा रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है। दीदी आर यू एक्साइटेड? यस आई एम द मोस्ट टू व्लॉग देयर, आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी दैट आई एम नॉट गोइंग टू व्लॉग बिकॉज आई एम गोइंग टू कीप माई हैंड्स इनसाइड दी हीटर। नहीं आपके अंदर ला लेगी तू तो। क्या कहते हैं यार, ग्लव्स, मेरे पास ना वो लेदर वाले ग्लव्स है, वो बहुत गर्माते हैं। हाई गाइज, गुड मॉर्निंग, इट इज द नेक्स्ट डे एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। आई डोंट यूजुअली एंड माई व्लॉग, सो दैट इज इट यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो गुलमर्ग का है जो दीदी के चैनल पे आने वाला है, सो डू चेक इट आउट। यहाँ पे पापा हमें हेल्प कर रहे हैं बैग पैक करने में, सो यस वी आर जस्ट लीविंग। एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, दिस व्लॉग, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल एज वेल। एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।